चलिए बात भोपाल की कर लेते हैं। भोपाल से अगली खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी बैठक, पर्यटन और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। तो प्रदेश के धार्मिक स्थलों को सरकार बड़े स्तर पर कर रही है बदलाव। धार्मिक स्थलों में निर्माण कार्य की भी समीक्षा होगी। वहीं धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ने के लिए भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव अहम बैठक आज लेने वाले हैं। आपको बता दें पर्यटन विभाग की जो है समीक्षा बैठक सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ने के लिए बैठक में चर्चा की जाएगी, मंत्रालय में ये बैठक होगी। ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जानना चाहेंगे समीक्षा बैठक सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो करने वाले हैं, एक तरीके से देखे तो काफ़ी अहम है ये बैठक धार्मिक क्षेत्र से अगर जोड़े इस मामले को। तो निश्चित रूप से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो है लगातार धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, और ऐसा नहीं बढ़ा है, अगर हम देखें धार्मिक पर्यटन में तो ये बहुत आश्चर्यजनक आंकड़े थे पिछले एक साल के, जो वित्तीय वर्ष के, उसमें मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर धार्मिक पर्यटन में आ गया था उत्तराखंड और काश्मीर के बाद में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी दो स्थानों पर देखें उत्तराखंड में तो काफी सारे धार्मिक स्थान है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वैसे ही बड़े स्थानों की बात करें तो वैष्णो देवी है J&K में, लेकिन मध्य प्रदेश में तीन से चार बड़े स्थानों के कारण धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, खासतौर पर महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, साथ में जो नर्मदा रिवर है उनके बैंक्स पे जो मंदिर बने हैं वो, तो वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को लगता है कि मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावना है, तो उनको किस बेहतर तरीके से विकसित किया जाए। महाकाल लोक का निर्माण ऑलरेडी हुआ है, लेकिन अलग अलग देवी स्थानों पर सलकनपुर में जो है देवी लोक का निर्माण होना है, इसी तरह से अगर बताएं तो जामसौली में हनुमान लोक का जो है निर्माण कार्य होना है। इन तमाम जगहों पर बड़े प्रोजेक्ट्स है, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स है, लेकिन कार्य की हुई नहीं है क्योंकि लगातार चुनाव रहे, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री आज इस विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। धार्मिक पर्यटन को कैसे बेहतर किया जाए, साथ में सुरक्षित कैसे किया जाए, और उसके साथ में कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, इन तमाम मुद्दों पर जो है मुख्यमंत्री आज चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे और कुछ बड़े निर्णय होंगे। जी ठीक। अनुराग, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि महाकाल, जिस तरीके से महाकाल का निर्माण हुआ, उसके अलावा ऐसे कौन कौन से मध्य प्रदेश में और बड़े स्थान हैं जिन पर फोकस करके अब मोहन सरकार आगे काम करने जा रही है? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है जो मैंने आपको बताया कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में पांच जो अभी है मुख्य मंदिर स्पॉट किए गए। ओंकारेश्वर में जो है शंकराचार्य का स्टैचू और काफी बड़ी मात्रा में, क्योंकि ओंकारेश्वर भी प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत है, ओंकार के आकार में नर्मदा जो है वहां पर बहती है, कई सारे डैम्स हैं, नेचर काफी है, ग्रीनरी काफी है, और उस बीच उसके बीच में मंदिर के किनारे से लेकर लगभग 14 किलोमीटर के इलाके में निर्माण कार्य हो रहा है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सलकनपुर एक बड़ा स्थान है मध्य प्रदेश का, वहां पर सलकनपुर देवी लोक की स्थापना की जो है पूरी तैयारियां हैं, काम शुरू हो चुका है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो जामसौली है छिंदवाड़ा जिले का, जहाँ पे हनुमान लोक बन रहा है, पूरे देश जो है वहां पर हनुमान भक्त आते हैं। इन तीन प्रोजेक्ट के साथ साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, जैसे पचमढ़ी में ऑलरेडी पर्यटक आता है लेकिन वहां पर भी धार्मिक पर्यटन की बहुत संभावना है, क्योंकि भगवान शिव के कई सारे मंदिर है, कई सारी गुफाएं हैं, तो उनको भी डेवलप करने का और इस तरह के स्थानों को चिन्हित करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, जो फिलहाल उतना जो है कहीं ना कहीं उनको अभी एक्सपोजर नहीं मिला है। तो इस तरह से एक बड़ी कार्य योजना की तैयारी है और उसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। तो बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो पर्यटन और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। देखना होगा क्या कुछ चर्चाएं इस बैठक में होती है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं सीएम के द्वारा, या क्या कुछ फैसला लिया जाता है। नजर बना के रखिए इस बैठक पर। तमाम अपडेट हम आपसे अनुराग लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।